फिरोजाबाद में विगत दिवस चलाई गई एसकेएच की एक्सक्लूसिव न्यूज के परिणाम तहत आज फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव के निर्देशन में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के विधायक मनीष असीजर द्वारा किए गए अनुपयुक्त व्यवहार के खिलाफ शहर में पैदल मार्च निकाला। ये रैली शहर के जाने माने जैन मंदिर से होते हुए रसूलपुर थाने तक निकाली गई। रैली का उद्देश्य जनता तक बीजेपी विधायक द्वारा किए जा रहे सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाना था। रैली में MLC डॉक्टर दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष राम सेवक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चंद, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा के साथ हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौराज सिंह के साथ अजय शर्मा। जो जनसेवा उस बात की दवाई देता है जो राजनीति करके ये सरकार प्रदेश में बनी थी उन मुद्दों पर उन बातों पर अपनी मेहनत से अधिकारी बनता है और खुशी है तो बहुत सालों में IAS भी हो जाता है। अगर ऐसे लोगों पर भी गाली गलौज होगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिले में कौन सा अधिकारी काम करेगा। इसी से कुछ दिन पहले महीने भर पहले डॉक्टर शशि सरकारी अस्पताल में काम करते थे, उन पर जबरन दबाव बनाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, उनको भी धमकाया गया तो बेवश होकर उन्होंने 40% का सर्टिफिकेट बनाया लेकिन सर्टिफिकेट पर लिख दिया। उनके कैमरे पर नगर आयोग ने कहा कि इतनी भीड़ भाड़ के बीच में मेरी हत्या करवा सकते थे, मेरी गाड़ी का नंबर पूछ रहे थे, कौन सी ऐसी गाड़ी से आए हो, उन्होंने खुद कहा। ऐसे गंभीर आरोप और वो भी एक विधायक के ऊपर, ये सोचने वाली बात है। हम लोगों को क्यों मजबूरी पड़ी इस जलूस को निकालने की कि एक महीने पहले जब शिकायत करी जा चुकी है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलो आप FIR नहीं लिखते हो जो शासन से जांच चालू करवानी चाहिए थी, लेकिन जांच किसकी हुई? डॉक्टर शशि की हुई। और अब देखिएगा ट्रांसफर भी नगर आयोग के ही करवाएंगे और जांच भी नगर आयोग की करवाएंगे, इधर कुछ नहीं होगा। तो मजबूरन जनता को निकल के बाहर आना पड़ता है, नेताओं को बाहर निकल कर आना पड़ता है और जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये लड़ाई हम लोग दम से लड़ेंगे, ये लड़ाई फिरोजाबाद की लड़ाई है, ये फिरोजाबाद के विकास की लड़ाई है और ये जनता की लड़ाई है। और यहीं अगर हम देखते हैं बराबर वाले विधान जो फिरोजाबाद जिले में विधायकों के द्वारा अत्याचार करा जा रहा है उसके लिए जलूस निकाला। इसमें खास तौर से जो सदर विधायक हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले जो जिला चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर शशि कुमार थे, उनके ऊपर दबाव बनाकर जबरन जो सर्टिफिकेट बनवाने का काम करा विकलांग का, जिस पर उन्होंने देख लिया कि दबाव माननीय विधायक जी के द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरी हत्या करवा सकते हैं माननीय विधायक सदर। उसी के तहत ये 15-20 दिन बाद जो 3 दिन पहले मामला आया है जो जिले में नगर आयुक्त हैं फिरोजाबाद नगर निगम से, उनके द्वारा विधायक के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया कि मुझसे ये बदतमीजी करते हैं, मुझे रुलाते हैं, मुझे घर पर बुला के अपमानित करते हैं और जनता के बीच मेरे ऊपर गाली गलौज उन्होंने करी और मुझसे जिस तरह से व्यवहार करा बात करी तो ये मेरी हत्या करवा सकते। ये बयान सभी के पास मौजूद है, सभी मीडिया कर्मियों ने इसको लिया, उन्हीं के तहत हमने भी देखा। और उसके बाद उनकी पत्नी ने और डॉक्टर सशिल की जो शशि कुमार उनकी पत्नी ने भी एक शिकायत पत्र SSP महोदय को भेजा जिसमें अपनी हत्या की उन्होंने आशंका दिखाई वो रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा भेजा। उसकी हम लोगों ने जो चिट्ठी है वो भी उपलब्ध करवाई थी और जो